ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 19.7 का. हमारे पास उसी का एक सब टॉपिक है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है वो क्या होती है उसको हम जो है वो स्टडी करते हैं. अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको हम यहाँ पे जो है वो मर्ज आउट करेंगे और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बात करें सबसे पहले फोटोन की, ठीक है, फोटोन कह लें या फिर आप लाइट कह लें, तो फोटोन की हमने दो नेचर्स देखी हैं प्रीवियस तमाम जो है वो डिस्कशन में. क्या क्या हमने कंसिडर किया कि जितना भी हमने लाइट को अभी तक डिस्कस किया, हमने ये देखा कि लाइट जो है वो एज अ वेव बिहेव करती है. तो वो कुछ पैटर्न्स में पता चलता है कि लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही है, जब वो डायफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रही होती है, जब वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है, सेम ऐसे ही जब हमारी लाइट रिफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है. तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ लाइट की बताती हैं कि लाइट इज़ बिहेविंग लाइक अ वेव. लेकिन इसी लाइट की जो है वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने ऑब्जर्व की कि ये लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है. और तीन डिफरेंट इफेक्ट स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए. फर्स्ट वन वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद कॉम्प्टन इफेक्ट देखा हमने, कॉम्प्टन इफेक्ट के बाद लास्ट हमने पेयर प्रोडक्शन देखा. ठीक है, तो हमने कहा कि लाइट एज अ वेव भी बिहेव कर रही है और लाइट एज अ पार्टिकल भी जो है वो बिहेव करती है. सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, तो हमें पता है. और ये किसने बताया? जे जे थॉम्सन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की थी, तो तब हमने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया था. बट प्रीवियस टॉपिक में डैट वॉज द जर्मर एंड डाविसन एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर हमने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी स्टडी की. ठीक है, जर्मर एक्सपेरिमेंट में. इट मीन्स यहाँ पे जो है वो बात हमें क्या समझ आती है, हमें सिंपली ये पता चला कि एक जो है वो आपके पास लाइट क्या है, लाइट एक रेडिएशन है. ठीक है, और आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक मैटर है. ठीक है, मैटर का नाम दे दें इसे, कि आपकी जो रेडिएशन है और मैटर है, ये दोनों जो हैं वो वेव नेचर भी रखते हैं और वो पार्टिकल नेचर भी रखते हैं. दिस इज़ सिंपली नोन एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कि हमारी रेडिएशन वेव नेचर भी रखती है, पार्टिकल नेचर भी रखती है. हमारा मैटर वेव नेचर भी रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है. सो दिस इज़ नोन एज अ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो नाम दे देते हैं. तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये हो गई. और इसके अलावा आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना हुआ है, इट वाज़ द नील बोहर. नील बोहर स्टूडेंट्स अपने टाइम का एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था. इसने बहुत सी डिस्कवरीज फिजिक्स में की, इसने एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया. उसके अलावा बोहर की जो डिस्कवरी थी उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया फिजिक्स में, दैट इज़ नोन एज द कॉम्प्लीमेंटरी. ठीक है, इसके जो वो देख लेते हैं यहाँ पे. इसने जो प्रिंसिपल हमें बताया वो था कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल. ठीक है, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उसने ये बात जो है वो एक्सप्लेन की कि किसी भी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों का पता होना ज़रूरी है, और किसी मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए भी उसकी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों का अंदाज़ा पता होना हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है. तो ये था नील बोहर की अजम्पशन. बट स्टूडेंट, होता क्या है कि एट अ टाइम, एक ही टाइम पर हमें कभी भी दोनों नेचर्स नहीं पता चलती. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग की एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है, तो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग करवाते हुए हम अपनी लाइट की जो है वो सिर्फ एक नेचर देख सकते हैं. कौन सी? वेव नेचर देखेंगे तब हमें पार्टिकल नेचर पता नहीं चलेगी. सेम ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन एग्जिबिट होते हुए हम एक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर तो देखेंगे, लेकिन इस टाइम हमें इसकी वेव नेचर का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता. सेम ऐसे ही आप अगर इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लेते हैं, तो जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन वेव लाइक बिहेव नहीं कर रहा था, और सेम ऐसे ही जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लाइक बिहेव नहीं कर सकता, वो सिर्फ वेव लाइक बिहेव करता है.
तो एट अ टाइम हम साइमल्टेनियसली जो है वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम जो है वो हम किसी भी पार्टिकल की ना तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इकट्ठे नहीं निकाल सकते, और किसी रेडिएशन की भी पार्टिकल और वेव नेचर इकट्ठे स्टडी नहीं कर सकते हैं. सो ये था हमारा टॉपिक, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी.